वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं, दोस्तों 25 इयर्स की एज में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने महल से बाहर निकलेंगे और दुनिया की जो सफरिंग्स हैं उसको दोस्तों जानने लगेंगे। उन्होंने काफी दिनों तक दोस्तों तपस्या करी एक पीपल के पेड़ के नीचे, और दोस्तों उसी ट्री को कहा गया बोधी ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। और दोस्तों इसी ट्री पर उन्होंने बनारस के लोगों को एक सरमन दिया, मतलब कि एक दोस्तों रिलीजियस लेक्चर दिया, लाइफ के बारे में सिखाया। और वो दोस्तों क्या सीख थी, उसी को हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। देखिए, बताया गया है दोस्तों एक लेडी के बारे में जिसका नाम है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी का दोस्तों इकलौता एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। दोस्तों क्या हुआ, जब कीसा गौतमी के बेटे की डेथ हुई तब दोस्तों उस बेटे की डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर कीसा गौतमी अलग अलग नेबर्स के पास गई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो कीसा गौतमी को कुछ मेडिसिन दे दें जिससे कि वो अपने बच्चे को बचा सके। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और दोस्तों सारे लोग यही कहते थे कि जो कीसा गौतमी है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जब कीसा गौतमी अलग अलग दोस्तों लोगों के पास जा रही थी मेडिसिन मांगने के लिए कि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को इस दुनिया में वापस लेके आ सके, तो दोस्तों एक पर्सन ने कीसा गौतमी की रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया। उस पर्सन ने कहा कि मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, दोस्तों यहाँ पे दी मेडिसिन मतलब कि मैं तुम्हें तुम्हें एक मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, फॉर दाई चाइल्ड तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, पर मैं किसी एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो कि ऐसी तुम्हें मेडिसिन कोई दे सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." दोस्तों देखिए, हमें पता चला कि वो जो लेडी है जिसका नाम है कीसा गौतमी, दोस्तों वो कीसा गौतमी कहती है उस पर्सन को कि सर मुझे बताओ कि वो फिजिशियन कौन है, मुझे उसके पास अपने बेटे को लेके जाना है। और दोस्तों वो पर्सन रिप्लाई करता है कि तुम बुद्धा के पास चले जाओ। बुद्धा को दोस्तों साक्यमुनि के नाम से भी यहाँ पे रेफर किया गया है। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो यहाँ पे जो कीसा गौतमी है वो जल्दी से इस पीपल के पेड़ के नीचे जो गौतम बुद्ध बैठे थे उनके पास चली गई और बहुत तेजी से रोने लगी। वो क्या कहती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। यहाँ पे कीसा गौतमी गौतम बुद्ध से कहते कि मुझे एक ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे कि मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूं। द बुद्ध आंसर्ड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। दोस्तों बुद्ध कहते हैं कि मुझे मस्टर्ड क्या होता है दोस्तों, जो राई के बीज होते हैं दोस्तों, ये राई के बीज की एक पूरी एक हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी उनको चाहिए, गौतम बुद्ध को चाहिए। तो दोस्तों ये तो आसान सी चीज लग रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, वो जो गर्ल है कीसा गौतमी वो बहुत ही जल्दी से एग्री कर लेती है कि हाँ मैं आपको ये जो भी आप मांग रहे हो राई के बीज की एक मुट्ठी मैं आपको ला के दे दूंगी। पर जो बुद्धा है दोस्तों वो किसी चीज को ऐड करते हैं, वो एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ये जो मस्टर्ड की सीड्स हैं ये एक ऐसी फैमिली से लाने पड़ेंगे जिस फैमिली में कभी भी किसी भी एक बच्चे किसी हस्बैंड किसी पेरेंट या फ्रेंड की डेथ नहीं हुई है। मतलब कि दोस्तों वो कहते हैं कि एक ऐसी फैमिली से मुझे मस्टर्ड सीड लाकर दो जहां पर किसी की भी डेथ नहीं हुई है कभी भी। द पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, बट व्हेन शी एडेड डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाइड इन अ फैमिली, दे आंसर्ड हर, एलिस द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जो कीसा गौतमी है वो दोस्तों उसको मेहनत तो करनी थी, वो फिर भी अलग अलग घर जाती है, सबसे पूछते कि तुम्हारे पास मस्टर्ड सीड है या नहीं। हर कोई उसको ये कहता है कि मस्टर्ड सीड तो ये लो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लेके जा सकती हो। बट जब भी कीसा गौतमी ये कंडीशन ऐड करती है कि क्या आपके घर में किसी बेटे किसी भाई बहन पेरेंट किसी की भी डेथ हुई है, तो दोस्तों उसको हर जगह से आंसर मिलता है कि जितने इस घर में लोग रहते हैं उनसे ज्यादा की डेथ हो चुकी है। ऑफकोर्स दोस्तों हमारे जो एंसेस्टर्स हैं कितने सारे होंगे दोस्तों, उनके भी फर्दर एंसेस्टर्स होंगे, तो मतलब कि डेथ तो बहुत ज्यादा लोगों की हुई है इन कंपैरिजन जितने लोग अभी घर में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों ने यही कहा कि सबके घर में डेथ तो बहुत सारी हो चुकी है ऑलरेडी। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीफ, हर कोई कहता है कि हमें अपने वो सारे दुख के दिन इतनी ज्यादा वो याद मत दिलाओ, हम उनकी डेथ को ऐसे बार बार याद नहीं करना चाहते हैं। And there was no house, but some beloved had one died in it. दोस्तों कोई भी ऐसा घर नहीं मिला यहाँ पे कीसा गौतमी को जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो।
दोस्तों ऐसा कर पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है, सबके एंसेस्टर्स की दोस्तों डेथ हो चुकी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। और दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ये कंडीशन क्यों लगाई होगी, इसी चीज को सिखाने के लिए कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। किसी की डेथ अगर हो चुकी है हम कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ किसा गौतमी के साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ हो चुका है। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। देखिए दोस्तों क्या हुआ, किसा गौतमी पूरा दिन नेबर्स के पास जा रही थी, वो मस्टर्ड सीड्स मांग रही थी पर साथ में कंडीशन भी थी। तो दोस्तों ये सारा काम करते हुए किसा गौतमी बहुत ज्यादा थक गई, उसकी दोस्तों उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो दोस्तों कोई भी एक रोड का किनारा है वहां पर बैठ जाती है और फिर ये जो शहर की लाइट्स हैं दोस्तों इनको देख रही है एज द फ्लिकर्ड अप एंड वो एग्जॉस्टेड अगेन। दोस्तों वहां पे वो बार बार जो ये लाइट्स हैं फ्लिकर कर रही हैं, हिल रही हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से किसा गौतमी नोटिस कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा ये परेशान फील कर रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन एवरीवेयर। अब दोस्तों हर जगह अंधेरा छाने लगा था, यानी कि रात होने लगी है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एग्जॉस्टेड अगेन। अब दोस्तों किसा गौतमी को समझ आने लगा है कि ये जो डेथ है, ये जो लाइफ है, ये तो सारी चीजें एक ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, मतलब कि हमें इतना ज्यादा बुरा फील नहीं करना चाहिए, ये चीजें तो कभी ना कभी होनी ही है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। दोस्तों अब किसा गौतमी सोचने लगी कि वो अभी तक बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही थी कि उसको अपने बेटे को बचाना है, पर उसने ये चीज रियलाइज नहीं करी कि ये सारी चीजें तो लाइफ का पार्ट है, मतलब कि डेथ तो कभी ना कभी आनी ही है, ये तो एक कॉमन चीज है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। कि यहाँ पे किसा गौतमी समझ जाती है कि ये बहुत ज्यादा सेल्फिश यहाँ पे बिहेव कर रही थी। जिस पर्सन ने ये जो भी अपना सेल्फिशपन है कि मुझे अपनी फैमिली को ही बचाना है, ये जो सेल्फिशनेस है दोस्तों, जिस पर्सन ने भी इसको हटा दिया है वो पर्सन अपनी लाइफ में ये डेसोलेशन मतलब सैडनेस को भी दूर कर चुका है। मतलब कि बहुत ही जरूरी है कि हम किसी भी दोस्तों इंसिडेंट को ज्यादा ना सोचें, उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें कि ये चीज तो कभी ना कभी होनी ही थी। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। दोस्तों बुद्धा कहते हैं कि यहाँ पे जो मॉर्टल्स हैं, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मतलब कि जिन्होंने दोस्तों डेथ जिनकी होनी है, हम जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस की लाइफ में ये ट्रबल्ड बिलीव कंबाइंड विद पेन, ये पेन दोस्तों जो सैडनेस पेन है, ये सारी चीजें तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो डेथ है ये तो कभी ना कभी एक ह्यूमन बींग के साथ आनी ही है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिससे कि आप डेथ को अवॉइड कर सको। जब आप बूढ़े होने लगते हो तब डेथ तो आपकी होनी ही है। लिविंग बींग्स का एक ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये एक नेचर है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं कि जो फल पेड़ पे पक जाता है वो जल्दी गिर सकता है, उसी तरीके से जब एक ह्यूमन इस लाइफ में आता है उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is life of mortals. देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध दोबारा इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक दोस्तों मटके बनाने वाला पर्सन होता है, वो जितने मर्जी मटके बनाए उस एक मटके का एंड क्या होगा, कभी ना कभी वो जो मटका है वो टूट जाएगा। उसी तरीके से एक ह्यूमन लाइफ का भी एंड दोस्तों डेथ के साथ ही होता है, हम इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बोथ यंग एंड एडल्ट, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. यहाँ पे गौतम बुद्ध इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि चाहे कोई पर्सन बहुत ही यंग हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, चाहे कोई नालायक हो या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबकी किसी ना किसी दिन डेथ तो होनी ही है, आप इस चीज को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ऑफ दोस हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन। देखिए बताया जा रहा है कि हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, एक फादर अपने बेटे को हर टाइम नहीं बचा सकता है, कोई हमारा रिश्तेदार हमें नहीं बचा सकता है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to slaughter. देखिए यहाँ पे दोस्तों गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस चीज को मार्क कर लो कि जब हमारे रिलेटिव्स किसी चीज की डेथ का दोस्तों वहां पे वो शॉक बना रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, उसी टाइम पर दोस्तों ये जो नेचर है, नेचर क्या कर रही होती है, नेचर अलग अलग लोगों को डेथ तक लेके जा रही होती है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हमें इतना ज्यादा उनके बारे में फील नहीं करना चाहिए, डेथ तो एक लाइफ का पार्ट ही है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसीलिए ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेथ और डीके से अफेक्ट हो जाता है, पर जो पर्सन दोस्तों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता लग जाता है कि सैडनेस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, वो पर्सन इस दुनिया को जानने लगता है और खुशी खुशी जीने लगता है।
मतलब कि हमें लाइफ का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ आना चाहिए कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है, किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को याद रख के हमें चूज़ करना चाहिए कि हमें अभी खुश रहना है, सैड होना है, ये जो भी चीज़ें हैं। सैडनेस को रिमूव करना बहुत ही आसान है अगर हम लाइफ को समझ लें। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। देखिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि रो रो के कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे रोने से कुछ भी यहाँ पे आपको पीस नहीं मिलने वाली है, बल्कि आपका माइंड और ज्यादा परेशान होगा, आपकी बॉडी और ज्यादा सफर करेगी। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे बार बार रोने से आप परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, पर उससे जिसकी डेथ हो चुकी है उसको बचाया तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव। कि अगर यहाँ पे किसी को अगर पीस शांति के साथ खुशी के साथ रहना है तो उसको ये रोना, सैडनेस, किसी की डेथ पर बहुत ज्यादा शौक मनाना, ये चीजें अलग करनी होंगी, क्योंकि ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमारी लाइफ का ये पार्ट है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain the peace of mind. कि जो भी पर्सन अपनी लाइफ से ये सैडनेस रिमूव कर चुका है, अपनी लाइफ को अच्छे से समझ चुका है, वो हमेशा शांत रहेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जो पर्सन ये दुख को बिल्कुल हटा चुका है अपनी लाइफ से, वो हमेशा खुश रहेगा और फिर आशीर्वाद के साथ बिल्कुल सैडनेस से अलग अपनी लाइफ जिएगा, हमेशा खुश रहेगा। तो यहीं पर दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यानी कि हमें समझ आया कि गौतम बुद्ध जो कि बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे, कैसे दोस्तों उनकी शुरुआत हुई, उन्होंने कैसे दुनिया के ये दुख दर्द को समझा, लाइफ के पर्पस को समझा, और फाइनली एक बोधा ट्री के नीचे उन्होंने अपना ये एक सर्मन दिया, एक लेसन दिया। काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर इस पूरे चैप्टर को आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों रिविजन लेक्चर अवेलेबल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ तक कि इस चैप्टर की एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सब को भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।